टू माय चैनल आकांक्षा कुमार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ अनारकली कुर्ता हॉल शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स अनारकली कुर्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और कॉटन फैब्रिक में है, क्योंकि अभी समर सीजन आ चुकी है तो मैंने कॉटन फैब्रिक में अनारकली कुर्ता लिया है, जिसे कि आप एज ए मैक्सी ड्रेस भी पहन सकते हैं, आपको बहुत कंफर्टेबल लगेंगी और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गई है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। और अभी फ्लिपकार्ट पर सेल भी चल रही है जो कि 3 तारीख तक रहने वाली है, यानी कि कल तक। तो अगर आप चाहें तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ड्रेसेस है, यानी कि बहुत ही अच्छी कुर्ता है, आपको बहुत पसंद आएंगी। सबसे पहले जो कुर्ता मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, तो चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो कुर्ता है ये कुछ इस तरह का है, बहुत ही प्रिटी इसका कलर है, आप देख सकते हैं कोरल कलर, आपको ये दिख रहा होगा, बिल्कुल कोरल कलर ही है, मतलब रेड में है, ये टोमेटो वाला जो रेड होता है ये उस तरह का कलर है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्रिटी है ये, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्रिटी है, बहुत ही अच्छा कलर है इसका और इस तरह का पैटर्न इस पे बनाया गया है, यानी कि ये प्रिंटिंग है, अनारकली फॉर्म में है ये, इसमें कलियां भी आपको दी गई हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब कलियां है इसकी, तो ऊपर से नीचे तक ये बिल्कुल सेम इसी तरह का है और इस पे इस तरह का फ्लोरल प्रिंटिंग किया गया है, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका इसे पहनने के बाद। मैं वीडियो भी डालूंगी कि मुझ पर किस तरह का लग रहा है, तो आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगी। सो ये ऊपर से नीचे इसी तरह का, अगर नेकलाइन की बात करें तो राउंड नेक आपको इसमें मिल रहा है और जो ब्रांड है इसकी वो है जयपुर वस्त्र, तो जयपुर वस्त्र ब्रांड है। और अगर स्लीव्स की बात करें तो इस तरह की फ्रिल वाली स्लीव्स आपको मिल रही है, इसमें 2 लेयरिंग की हुई है, फर्स्ट और सेकंड, आप देख सकते हैं दोनों ही साइड से। और ये इसका फ्रंट पार्ट है, फ्रंट और बैक दोनों ही सेम है बिल्कुल, बट हाँ ये इसका फ्रंट पार्ट है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। और नीचे में काफी लॉन्ग है, काफी अच्छा घेर भी है इसका, एज अ मैक्सी ड्रेस भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और कॉटन फैब्रिक में इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं है और लाइनिंग की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फैब्रिक की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है और व्हाइट भी नहीं है कि कुछ सी थ्रू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसे एज अ मैक्सी ड्रेस भी वेयर करते हैं, अगर व्हाइट स्निकर्स के साथ या व्हाइट शूज के साथ तो बहुत अच्छे लगेंगे, या फिर आप इसे एक अनारकली सूट भी बना सकते हैं कॉटन में, अगर आप ब्लू कलर का चूड़ीदार और दुपट्टा ले लेते हैं तो बहुत अच्छा लुक आएगा। सो ये कुछ इस तरह का है, बहुत प्रिटी है। सो फ्रेंड्स, इसका लुक ओवरऑल कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये, और स्पेशली समर सीजन में इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, सो आप इसे एज ए ड्रेस काफ़ी अच्छे से वेयर कर सकते हैं। और कॉटन की फैब्रिक है जैसा कि मैंने आपको बताया, और फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, इसमें मैंने मीडियम साइज़ लिया है, स्लीव्स भी फ्रिल वाली हैं और काफ़ी अच्छा घेर है, बिल्कुल अनारकली पैटर्न में है ये, तो एज अ मैक्सी ड्रेस भी आप वेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा, या फिर किसी इवनिंग में पार्क वगैरह आप जाते हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। पास से आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का पैटर्न है, काफ़ी अच्छा फ्लोरल पैटर्न बनाया गया है और कलर जो है वो बिल्कुल टोमेटो वाला रेड है, बहुत ही प्रिटी है, बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आप चाहें तो आप इसे ले सकते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आती है, काफ़ी कम्फर्टेबल है। अगर आप ये वाला कुर्ता देख रहे हैं या लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, ये अंदर में एक इनर एज अ स्लीवलेस कुर्ता मिल रहा है और ये ऊपर से जैकेट मिल रहा है कॉटन का, और अंदर वाला जो ये आप कह सकते हैं नायलॉन फैब्रिक या फिर आप कह सकते हैं रियॉन फैब्रिक का है, और ये जो है ये कॉटन में है, मैं इसका हॉल भी बनाने वाली हूँ, बट अगर आप इसे लेना चाहते हैं, आपको पसंद आ रही है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगी, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है और ये एक कुर्ता सेट है, इसके नीचे आपको बॉटम वेयर भी मिल रहा है, बहुत ही प्रिटी कुर्ता सेट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा और समर सीजन के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरा कुर्ता है वो कुछ इस तरह का ब्लू कलर में है, बहुत ही प्रिटी कुर्ता है ये भी और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है, इसका कलर मुझे बहुत प्रिटी लगा इसलिए मैंने इसे लिया है। सो ये कुछ इस तरह का, इसमें इस तरह की गोटा पट्टी की गई है, आप कह सकते हैं सिल्वर कलर की गोटा पट्टी जो कि स्लीव्स में भी की गई है, इसकी स्लीव्स भी 3/4 है, आप देख सकते हैं। और नेकलाइन जो है इसकी, इसे हम लोग हमारे यहाँ चाइनीज कॉलर कहते हैं, आप जो भी कहते होंगे इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगी। और ये फ्रंट में ओपन है ताकि आप इसे अच्छे से इन कर पाए, और इसकी जो ब्रस्ट एरिया है वो कुछ इस तरह की है, ब्रस्ट एरिया पे भी आपको इस तरह की गोटा पट्टी देखने के लिए मिल रही है, और जैसे ही आप नीचे बढ़ते हैं तो आपको इस तरह से 3 लेयरिंग में गोटा पट्टी देखने के लिए मिलती है, बहुत ही प्रिटी कुर्ता सेट है ये। और अगर बैक की बात करूँ तो बैक बिल्कुल प्लेन है कुछ इस तरह का, इसमें कोई भी आप देख सकते हैं ब्रस्ट एरिया के पास वर्क यानी बैक के पास वर्क नहीं मिल रहा है, बट हाँ नीचे में आपको उस तरह से 3 लेयरिंग की गोटा पट्टी मिल रही है जो कि फ्रंट में भी है। जो फैब्रिक है फ्रेंड्स वो कॉटन है, इसमें आपको बटन भी मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ये कुछ बटन मिल रहे हैं आपको, बहुत ही प्रिटी लगते हैं ये, 3 बटन इसमें दिए गए हैं आपको, काफी अच्छा लुक आता है ओवरऑल। और ये बटन जो है वो बस शो के लिए हैं, ये ओपन नहीं होते हैं, बट आप इसे अच्छे से इन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको ये वाला जो है वो खुला हुआ मिल रहा है तो आप इसे अच्छे से पहन पाएंगे। फैब्रिक इसकी कॉटन है और सी थ्रू नहीं है ये, बट इसके अंदर आपको ब्लू या डार्क कलर की ब्लैक
ब्लैक कलर की इनर पहनने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप व्हाइट पहनते हैं तो ये थोड़ा सी थ्रू हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की है। इसे भी आप अराकिरी सूट भी बना सकते हैं, अगर पिंक कलर की कुर्ता और दुपट्टे के साथ कैरी करेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आएगा। बहुत ही प्रिटी है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी, कॉटन की फैब्रिक में है ये वाला कुर्ता है फ्रेंड्स। इस कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसमें एक और कलर अवेलेबल था बट मैंने चेक नहीं किया था, सो आप देख सकते हैं। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी प्रिटी है और फिट भी काफ़ी अच्छा आता है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अगर आप चाहें तो आप इसे बाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई भी अस्तर का कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इनर पहनने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और जो नेकलाइन है इसकी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी प्रिटी है, और काफ़ी अच्छे से इसमें गोटा पट्टी की गई है, वो भी ग्रे कलर, यानी कि आप कहते हैं सिल्वर कलर के गोटे से, तो बहुत अच्छा लुक आता है। और अगर आप इसे पिंक कलर के चूड़ीदार और दुपट्टे के साथ कैरी करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा। फिटिंग जो है इसकी बहुत अच्छी है, मैंने इसे मीडियम साइज़ में लिया था, तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छे से फिट हो जाती है। सो जो आप भी जो भी साइज़ आप पहनते हैं उस अकॉर्डिंग आप इसे बाई कर सकते हैं, कोई भी छोटा बड़ा इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फ्रंट में आपको बटन मिल रहे हैं और ये हैं स्लीव्स, और ओवरऑल लुक कुछ इस तरह का है। बहुत ही प्रिटी ड्रेस है, आई होप आपको अच्छा लगा। वो बहुत ही प्रिटी व्हाइट कलर का कुर्ता है, क्योंकि समर सीजन में इस तरह के पैटर्न भी काफी चलते हैं, तो मैंने एक व्हाइट कलर का कुर्ता लिया है। ये भी बहुत ज्यादा प्रिटी है, काफी ज्यादा अच्छा कलर है इसका, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स अगर नेकलाइन की बात करें तो आपको जो नेकलाइन वो कुछ इस तरह की, वही जैसे पहले वाली मैंने दिखाई, फ्रंट में स्लिट की हुई मिल रही है, बटन भी आपको मिल रहे हैं यहाँ पे रेड कलर के। और स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स इसकी 3/4 है, और वो भी इस तरह से यहाँ पे आपको टेपिंग मिल रही है रेड कलर की। बहुत ही अच्छी कुर्ता है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसमें भी आपको कोई इनर नहीं मिल रहा है, बट ये व्हाइट कलर की है तो आपको एक अच्छा इनर पहनने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें मुझे लगता है इनको इनर यानी कि अस्तर का कपड़ा दे देना चाहिए था, बट इसमें कोई भी अस्तर नहीं है। और नीचे में आपको इस तरह की टेपिंग देखने के लिए मिलेगी रेड कलर की, पूरे घेरे पे जितना भी घेरा है इसका उसमें इस तरह की रेड कलर की टेपिंग देखने के लिए मिलेगी। तो इसे भी आप एज अ ड्रेस पहन सकते हैं, बहुत अच्छा खिलकर लुक आएगा इसका, बहुत ही कंफर्टेबल है, फैब्रिक बहुत अच्छी है इसकी, कॉटन की है, सॉफ्ट है, सो कुछ इस तरह की लगती है। रेड कलर का बटन मिल रहा है, स्लीव्स इसकी 3/4 है, बहुत ही प्रिटी कुर्ता सेट है, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका जो लुक है फ्रेंड्स समर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि समर सीजन में आप सब जानते ही हैं कि व्हाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो इवनिंग में आप इसे वेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। इसमें कोई भी अस्तर या इनर नहीं मिल रहा है, तो अच्छा सा इनर एक लेना होगा आपको, या फिर एक अच्छे से इनर पहनने की जरूरत पड़ेगी। और नीचे में आपको इस तरह से रेड कलर की टेपिंग मिल रही है, जो कि इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। और ये फ्लोरल वाला पैटर्न है, बहुत अच्छा लगता है, रेड कलर के और ग्रे कलर के फ्लावर इसमें दिए गए हैं, और रेड कलर का बटन भी है, जो कि बहुत प्रिटी लग रहा है। और स्लीव्स पे भी आपको देख सकते हैं आप, टेपिंग दिख रही है रेड कलर की, जो इसे बहुत ब्यूटीफुल बनाती है। ओवरऑल ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हैं। सो पास से भी आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का है, नॉर्मल है बट काफ़ी अच्छा, और फैब्रिक काफ़ी कम्फर्टेबल है, और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है इसकी। सो फ्रेंड्स इन कुर्ताज के साथ मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट भी शेयर करना चाहती हूँ, और वो है एवरटिंग की डेली पैंटी लाइनर्स। मैंने इसे बहुत बार आप लोगों से शेयर किया है, बट मैं आज शेयर कर रही हूँ ताकि जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इसके बारे में भी आइडिया हो जाए। सो फ्रेंड्स ये एक पैंटी लाइनर है, मैं इसे यूज करती हूँ, और ये है फ्रॉम द ब्रांड एवरटिंग। सो पैंटी लाइनर्स के यूजर्स तो आप सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, थोड़ी बहुत जो है आइडिया दे देती हूँ। सो आप इसे यूज कर सकते हैं इन बिटवीन पीरियड्स, पीरियड्स के बीच में यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका फर्स्ट डे या लास्ट डे, जिस दिन आपको फ्लो जो है वो कम हो रहा है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पैड ही है बट उसका जो छोटा रूप होता है वो है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बैकअप में भी रख सकते हैं टैम्पून्स और कप के लिए, यानी कि अगर आप टैम्पून्स और कप यूज करते हैं तो एज अ बैकअप आप इसे कैरी कर सकते हैं, बहुत छोटा सा अच्छे से पैक हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और लाइट डिस्चार्ज अगर आपको होती है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, या फिर अपने डेली हाइजीन को मेंटेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से इस पैकेजिंग में ये आता है, और ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का आता है, इतनी छोटी सी पैकेजिंग में ये कहीं पे भी आपके बैग में फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, कुछ इस तरह का है ये, बहुत ही छोटा फॉर्म में आता है ये, तो ये बहुत ही अच्छा आप इसे यूज कर सकते हैं, काफी कंफर्टेबल लगेगा इसे यूज करना, क्योंकि काफी सॉफ्ट कॉटन से बना हुआ है। सो ये एवरटिन ब्रांड से है, मैंने जैसा कि आपको बताया इसमें आपको 30 लाइनर्स मिलती हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और जो प्राइस है इसकी वो है 166 रुपीज, तो 166 रुपीज में ये आपको मिल जाती है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, ये आपको बहुत काम आ सकती है। और आपको इतना बड़ा डब्बा कैरी करने की भी जरूरत है, आप एक भी लेके कैरी कर सकते हैं तो काफी अच्छा लगेगा, कहीं अगर आप जा रहे हैं और आपके साथ ऐसा है कि अगर आपको शक है कि आपका पीरियड्स आ सकता है तो भी आप इसे एज अ बैकअप रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी पिंक कलर की पैकेजिंग में आता है ये, काफी ज्यादा अच्छा लुक है इसका, काफी अच्छा लगता है। और ये 100% कॉटन का है फ्रेंड्स, कोई भी इसमें एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है, नॉन इरिटेटिंग है, एकदम नेचुरल कॉटन का यूज है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। सो अगर आप चाहें तो आप इसे बाय कर सकते हैं, लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
जो नेक्स्ट कुर्ता है वो भी बहुत प्रिटी है, इस तरह के ग्रे कलर में मैंने इसे लिया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो ये काफी सिंपल है बट इसे भी आप कैजुअल वेयर में एज अ ड्रेस यूज कर सकते हैं। कॉटन फैब्रिक है इसकी, इस तरह से आपको येलो बटन मिल रहा है जो कि सिर्फ शो के लिए ओपन नहीं होता है। यहाँ फ्रंट में स्लिट है, इतने से ही आपको इसे इन करना है। और अगर स्लीव्स की बात करूँ तो 3/4 इसकी भी मिल रही है और इसमें आपको येलो कलर की पाइपिंग मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत प्रिटी है ये, कुछ इस तरह के इसमें प्रिंटिंग की गई है, कोई भी एम्ब्रॉयडरी या प्रिंटिंग एडिशनल नहीं है, सिर्फ इस तरह की ही की गई है। हाँ अगर कुछ एडिशनल है तो ये बटन्स हैं और आप यहाँ पर टेपिंग भी देख सकते हैं जो कि मैंने स्लीव्स पे आपको दिखाई। और अगर नीचे की बात करूँ तो घेर भी इसका अच्छा मिल रहा है, काफी अच्छे कम प्राइस में ही मिल रहा है तो उस अकॉर्डिंग इसका घेर बहुत अच्छा है। और नीचे में भी आपको इस तरह से येलो कलर की टेपिंग मिल जाती है पूरे घेर पे, तो लुक बहुत अच्छा आता है। और इसका फ्रंट कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो कुछ इस तरह की है ये कुर्ती, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और बैक की बात करूँ तो बैक भी इसका बिल्कुल सेम है, कुछ इस तरह का लुक आता है इसका, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक है, बहुत ही प्रिटी है ये, मुझे बहुत अच्छी लगी। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना प्रिटी लुक आ रहा है इसका, ये भी बहुत अच्छा है, कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। समर में आपको यही सब कलर पहनने चाहिए जो कि आंखों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, आंखों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छा ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी ऐसा कैजुअल वेयर आप पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छा अनारकली कुर्ता है। तो आप नीचे में अगर लेगिंग्स भी कैरी करना चाहते हो तो लेगिंग्स का जैसे कैरी करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा, या फिर सिर्फ इसे भी अगर पहनते हैं वाइट स्नीकर्स का तो बहुत अच्छा कैजुअल वाला लुक आएगा। बहुत ही प्रिटी है ये, इस पर भी आपको टेपिंग मिल रही है येलो कलर की और बटन्स भी मिल रहे हैं, और यहाँ स्लीव्स के पास भी आपको टेपिंग दिख जाएगी येलो कलर की। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है, सो आप अच्छे से इसे कैरी कर सकते हैं। फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है, सो अगर आपकी साइज़ मीडियम है तो आप मीडियम ही बाय करिएगा, जो भी आपकी साइज़ है उस अकॉर्डिंग ये आ जाएगी। और नेकलाइन जो है इसकी वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि समर सीजन में जो नेक होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, काले हो जाते हैं अगर आप धूप में निकालते हैं तो ये बहुत ही प्रिटी है। अगर ये कुर्ता आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप जल्दी से बाय कर लीजिए, क्योंकि अभी फ्लिपकार्ट पे चल रही है सेल, तो जितना भी ऑफ हो सकता था उतना हो चुका होगा, या फिर नहीं भी हुआ है तो ये इससे ज्यादा ऑफ में नहीं आने वाला, क्योंकि अभी समर सीजन भी है तो इसके दाम थोड़े बढ़ भी सकते हैं, तो सेल टाइम में लीजिएगा तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स इन सब का, और इसका भी जो एवरटीन का प्रोडक्ट मैंने आपका शेयर किया है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो भी साउंड की प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स वो अगले वीडियो से या एक दो वीडियो के बाद ठीक हो जाएगी, और उसके लिए मैं सॉरी हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।